यूपी में बढ़ते बाढ़ के खतरे को देखते हुए सीएम योगी एक्शन में है और लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों का वो दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पूर्वांचल में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित गाजीपुर और बलिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके साथ साथ बाढ़ पीड़ितों से मिलकर वो उनका हाल जानेंगे और उन्हें राहत सामग्री की बात करेंगे। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगे और इस बैठक के बाद सीएम मीडिया से मुखातिब होंगे। और यहाँ पर आपको स्पष्ट करें कि इससे पहले भी उन्होंने वाराणसी, हमीरपुर, महोबा, इटावा और औरैया के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, राहत सामग्री के वितरण की स्थिति देखी, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आज गाजीपुर और बलिया का वो दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में, लगातार वो खुद जाकर हालात समझ रहे हैं, देख रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये देखिए, वो नाव के सहारे भी उन्होंने जाकर देखा कि क्या स्थितियां हैं, किस तरीके से लोग परेशान हैं। सुबह 9:30 बजे गाजीपुर में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करके राहत सामग्री बांटेंगे मुख्यमंत्री। फिर 11:45 बजे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 11:10 पर गाजीपुर से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वे करते हुए बलिया पहुंचेंगे। लगभग 12 बजे बलिया में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर राहत सामग्री बांटेंगे। 12:20 से 1 बजे तक बलिया में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ वो बैठकें करेंगे और 1 बजे से 1:15 तक मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया से बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये कार्यक्रम है आज का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वाराणसी से ही वो गाजीपुर और फिर बलिया जाएंगे और वहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे और मीडिया से भी मुखातिब होंगे। पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। हमारे बलिया संवाददाता अजय भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ फोनलाइन पर हैं। और अजय, दर्शकों को बताइए कि बलिया में कितने इलाके बाढ़ग्रस्त हैं, कितने गांव वहां पर बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं और मुख्यमंत्री उनमें से किन इलाकों का दौरा करने वाले हैं? जी राजन जी, मैं आपको बता दूं कि बलिया जनपद में कुल लगभग 40 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं, बैरिया तहसील क्षेत्र और बलिया सदर तहसील क्षेत्र मिला करके। और प्रशासन की तरफ से 16 बैरिया तहसील क्षेत्र में 72 नावें लगाई गई हैं और ये बलिया तहसील क्षेत्र में ये जो है 173 नावें लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करेंगे इन इलाकों का, बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं, और इन इलाकों का सर्वेक्षण करने के बाद बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे, उनका दर्द जानेंगे, उनकी पीड़ा को समझेंगे और उनको बाढ़ राहत सामग्री का भी वितरण करेंगे। उसके बाद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक होगी मुख्यमंत्री जी की और उसके बाद जो है मीडिया ब्रीफिंग भी करेंगे। तो कुल मिला के रंजीत जी, बाढ़ की स्थिति बलिया में बहुत ही भयावह है और लगातार जो है पानी बढ़ रहा है, हर घंटे पानी में बढ़ाव हो रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है जी। कुल 100 बात पूरी कर लीजिए अजय। 34 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और ये 93,500 आबादी कुल प्रभावित है जिले में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं 93,000 से ज्यादा, यानी बहुत बड़ी आबादी बलिया में बाढ़ से प्रभावित है और आज मुख्यमंत्री खुद जाकर उनका हाल जानेंगे, देखेंगे क्या किया जा सकता है, क्या संभव है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम ने अपने वाराणसी दौरे के पहले दिन काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन किए। 2 दिन के दौरे पर सीएम वाराणसी पहुंचे हैं। आज सीएम के दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है। वाराणसी में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दौरे के पहले दिन उन्होंने काशी विश्वनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की, वहां चल रहे कामकाज को देखा विश्वनाथ कॉरिडोर में। और आज भी उनका दूसरा दिन है वाराणसी के ही अंदर। सावन में बाबा विश्वनाथ के सीएम ने दर्शन किए अपने दौरे के पहले दिन। और वाराणसी में बाढ़ से बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री खुद एक्शन में आ गए हैं और वाराणसी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वो पहुंचे। यहां उन्होंने एनडीआरएफ की नाव पर बैठकर ही पूरे इलाके का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। सीएम योगी बाढ़ राहत शिविर में गए और वहां पर पीड़ितों का हालचाल भी जाना। तस्वीरें कल की जब वो खुद
देखिए एनडीआरएफ की टीम के साथ नाव पर बैठकर वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में देखने पहुंचे थे। उधर पूर्वांचल के बाढ़ प्रभावित जिलों के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की है। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और चंदौली में बाढ़ राहत के लिए चलाए जा रहे अभियान की जानकारी ली। सीएम ने साफ निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए और अफसर भी इस बात का ध्यान रखे कि सही समय पर पात्र लोगों तक सहायता पहुंच जाए। सीएम ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि अफसर आपदा प्रभावित लोगों से संवेदनशीलता बरतें और बाढ़ प्रभावित फसल क्षेत्रों का सर्वे कराकर बीमा योजना का लाभ तुरंत पहुंचाया जाए।